नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार, एक मुहिम बेहतर कल की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। लड़कियों की तरह मत रो। क्या लड़कियों की तरह बॉल फेंक रहे हो? क्या लड़कियों की तरह सामान उठा रहे हो? क्या किचन में घुसकर लड़कियों टाइप खाना बनाने में लगे हो? अच्छे से बैठो, लड़कियों की तरह, लड़कियों की तरह रहा करो। लड़कियों को इतनी जोर से नहीं हंसना चाहिए। क्या लड़कों की तरह रहती हो? थोड़ा सजा सवरा करो। क्या छक्के की तरह ताली बजा रहे हो? ये सब कैजुअल सेक्सिज्म कमेंट थे। सुनकर लगता होगा ना कि ये सब लड़कियों के लिए होता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लड़के भी इसके भुक्तभोगी हैं। हकीकत ये है कि हमारी सोसाइटी में कोई भी जेंडर इस कमेंटबाजी से सेफ नहीं है। कभी ना कभी सबको इन कैजुअल सेक्सिज्म कमेंट का सामना करना ही पड़ता है। वैसे तथाकथित तरह की परिभाषा कौन निर्धारित करता है? हम, या हमारा समाज, या हमारे पूर्वज, या कोई किताब जहां ये सारे डेफिनेशन या चेकलिस्ट लिखी है फॉर ईच जेंडर, जो शायद हमें पढ़नी चाहिए थी और हम पढ़ना भूल गए। रोज की दिनचर्या में बचपन से कहें या कहें कि जन्म से पहले ही हमें इस कैजुअल सेक्सिज्म का आदि बनाया जाता है। जैसे लड़का हुआ तो नीला कमरा, लड़की हुई तो पिंक कमरा। माने कलर प्रेफरेंसेस भी जेंडर ही बताएगा कि कौन सा कलर इस्तेमाल करना है। लेकिन ये रुकता यहाँ भी नहीं है। लड़की होगी तो उसे उपहार स्वरूप डॉल दे दो, लड़का होगा ठीक है रिमोट कंट्रोल वाली कार या हेलीकॉप्टर दे दो। ये लिस्ट जन्म से लेकर मरते दम तक खत्म नहीं होती। अरे पढ़ाई हो गई, जॉब कर ही रही हो, अब शादी कर लो। वहीं अगर कोई लड़का हो, कुछ साल जॉब कर लो, सेविंग कर लो, फिर शादी कर लेना। ऑफिस में कोई लड़की छुट्टी मांग ले तो लड़कियां बीमार बहुत पड़ती हैं। किसी से अगर थोड़ा सॉफ्टली बात न करके स्ट्रिक्टली बात कर ले, हार्मोनल है, शी मस्ट बी पीएमएसिंग। कोई लड़का ज्यादा फीलिंग एक्सप्रेस करे तो क्या लड़कियों की तरह बात कर रहे हो? रो तो वो बेचारा गलती से नहीं सकता, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं हो। और आजकल ये शिष्टता के नाम पर अलग फैशन चल गया है। कोई लड़का अगर किसी लड़की को ऐसे काम में जिसमें शारीरिक दक्षता की आवश्यकता है ना करे, तो लड़की की मर्दानगी को ललकारा जाता है। कैसे लड़के हो, खड़े खड़े देख रहे हो, तुम जाकर नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं सिचुएशन में दो लड़के हों तो लड़के की मर्दानगी सेफ हो जाती। पढ़ाई खत्म करने के बाद जिस तरह से एक अदृश्य दबाव लड़कियों पे शादी का होता है, ठीक उसी प्रकार से लड़कों के ऊपर भी एक दबाव नौकरी का होता है। वरना लोग कहते हैं नौकरी नहीं करोगे तो अपने बीवी बच्चों को खिलाओगे क्या। लड़कियों के लिए हाउसवाइफ बनना एक ऑप्शन है, पर लड़कों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। लड़कियों पे शादी के लिए रिस्ट्रिक्शन तो लड़कों पे जॉब एज का। ये तो कुछ उदाहरण थे। कैजुअल सेक्सिज्म अब हमारे डेली रूटीन में कुछ ऐसा समा गया है कि हम रियलाइज भी नहीं करते कि किस तरीके से हम हर सामान्य सी गतिविधि को जेंडर के साथ जोड़ देते हैं। कैजुअल सेक्सिज्म इतना कैजुअल है कि ये धीरे धीरे हमको पितृसत्ता और स्त्री द्वेषी समाज की तरफ धकेल रहा है। वही समाज जहाँ से निकलने के लिए राजा राममोहन रॉय, रविंद्रनाथ जैसे लोगों ने सालों साल संघर्ष किया था। ये जानकारी आपके लिए लेकर आई थी सुरुचि। मेरा नाम है शशांक। शुक्रिया, आप देख रहे थे ललकार।